नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरिता और स्वागत है आपका सरिताज़ कुकिंग वर्ल्ड में। आज मैंने बनाए हैं आप सब लोगों के लिए ये बहुत ही टेस्टी से किया के कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं और देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं ये इजी सी रेसिपी, घिया के कोफ्ते। और ये देखिए, एकदम से सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं हमारे ये घिया के कोफ्ते। तो चलिए बनाते हैं ये घिया के कोफ्ते की रेसिपी। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। घिया के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ली है ये घिया, और मैंने एक ली है बड़े साइज़ की घिया जो वज़न में 700 ग्राम है। तो ये लूँगी मैं ग्रेटर, और इसको मैं ग्रेट कर लूँगी मीडियम साइज़ पे। घिया को मैंने अच्छे से धो लिया था, छील लिया था। ये बड़े वाला साइज़ है, ये पतले वाला साइज़ है, तो मैं इसको मीडियम साइज़ पे ग्रेट कर लूँगी ताकि जो हमारे घिया के लच्छे हैं वो अच्छे से निकल के बाहर आए। क्योंकि अगर हम मोटे साइज़ पे कद्दूकस करेंगे इसे तो मोटे लच्छे निकल के बाहर आएंगे, और जब हम कोफ्ते बनाएंगे तो हमारे घिया के लच्छे पकेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर बारीक वाली साइड पे कद्दूकस करेंगे तो उसमें एकदम से बिल्कुल पेस्ट की तरह घिया निकल के बाहर आएगी, तो वो भी अच्छे से नहीं बनेंगे। तो हम इसको मीडियम साइज़ पे कद्दूकस कर लेंगे ताकि घिया का लच्छा भी दिखे और वो पक भी जाए अच्छे से। तो ऐसे ही कद्दूकस करेंगे। और ये लिया है मैंने अदरक का एक टुकड़ा, और इसको मैं हाफ कद्दूकस कर लूँगी। बाकी का आधा अदरक मैं रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। अदरक से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। बाकी का मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये होगी हमारी घिया कद्दूकस। और ये लिया है मैंने 1 कप, और आधा कप मैं और लूँगी। ये लिया है मैंने 1.5 कप बेसन का, क्योंकि मेरे पास घिया की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने बेसन भी 1.5 कप लिया है। और इसको दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें डाल दूँगी थोड़े मैं स्पाइसेस। ये डाल दूंगी नमक 1 चम्मच या स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच डाल दूंगी ये कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 ही चम्मच डाल दूंगी मैं ये हल्दी का, और 1 चम्मच डाल दूंगी गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, हाथों से कर लूंगी इसको मिक्स। जैसे हम पकौड़े का बेसन घोलते हैं वैसे ही हम कोफ्ते का भी बेसन इसको एकदम से बढ़िया मिक्सचर बना लेंगे, ताकि जो हमारा बेसन है वो घिया में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, मसाले भी एब्जॉर्ब हो जाए और नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो इसको मैं हाथों की हेल्प से ऐसे मिक्स कर लूँगी, और ये हमारा मिक्सचर हो गया है बिल्कुल रेडी। तो इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, तो ये ली है मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसको ऐसे ही हाथों से मसल के फिर इसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ये घिया का मिक्सचर थोड़ा पतला रखा है क्योंकि इससे हमारे कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। और ये लिया है मैंने पैन, और पैन में मैंने ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। और ये ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे अब ये कोफ्ते, और ये छोटे छोटे कोफ्ते ऐसे ही डालते जाएंगे। ऑयल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे वरना कोफ्ते हमारे एकदम से जल जाएंगे। और ऑयल को रखेंगे हम मीडियम फ्लेम पे, और ऐसे इसमें हम सारे कोफ्ते डालते जाएंगे और इसको डार्क ब्राउन होने तक पका लेंगे। अगर हम गैस फ्लेम को एकदम से हाई रखेंगे तो हमारे कोफ्ते सारे जल जाएंगे, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे गैस को रखा है मैंने।
ऐसे ही हम सारे के सारे कोफ्तों को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो जले नहीं। फुल आंच पे अगर हम पकाएंगे तो वो जल जाएंगे, तो हम ऐसे ही मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। तो हम फिलहाल कोफ्तों को रख देते हैं दूसरी साइड पे, और यहाँ रख लेते हैं कढ़ाई, क्योंकि हमें सब्ज़ी को फटाफट से तैयार करना है, तो हमें सब्ज़ी के लिए ग्रेवी भी बनानी है। तो हम ये कढ़ाई ले लेंगे और साथ के साथ हम कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे सारे, और साथ के साथ हम मसाला भी तैयार करेंगे ग्रेवी का। तो ये कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे, और कढ़ाई गरम हो गई है तो इसमें डाल देंगे ये ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डालूंगी मैं। ये तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें डाल दूंगी मैं ये 3 बड़ी इलायची, 1 डाल दूंगी दालचीनी का टुकड़ा, और 3 डाल दूंगी तेजपत्ता, और इसमें 1 चम्मच डालूंगी मैं जीरा। और इन सब चीज़ों को हम डार्क ब्राउन करेंगे, भून लेंगे थोड़ा, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर खिल के बाहर आए। अगर कच्चे रह जाएंगे तो इसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा, तो इसको हम थोड़ा पका लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये हमारे मसाले पक चुके हैं, अब इसमें डाल दूंगी मैं ये प्याज और लहसुन का पेस्ट, जो मैंने पहले से पेस्ट बना के रखा है। आप चाहें तो बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, मैंने इसे मिक्सी में पेस्ट बना के रख लिया था। तो मैं डाल दूंगी ये प्याज और लहसुन का पेस्ट, और इसको ऐसे चलाते हुए कंटिन्यूसली पका लूँगी मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। और ऐसे ही कंटिन्यूसली हिलाते हुए इसको पकाती रहूँगी। तो जब तक हमारे प्याज रेडी होते हैं, मैं ले लूँगी ये टमाटर। टमाटर को मैंने ब्लेंडर के जार में डाल दिया है, और मैंने लिए हैं 3 बड़े टमाटर, और इसमें डाल दूँगी मैं ये 2 हरी मिर्ची, और इसको, और ये जो हाफ मैंने अदरक का टुकड़ा बचा लिया था इसको भी मैं डाल लूँगी टमाटो के बीच में, और बाकी का थोड़ा सा पोर्शन मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। तो ये डाल दिया मैंने अदरक भी, और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, और जब तक हमारा मसाला भी रेडी हो रहा है। और ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़े से स्पाइसेस। तो मैं डाल दूंगी ये 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं है, 1/2 चम्मच डाल दूंगी हल्दी का, और 1 चम्मच डाल दूंगी मैं गरम मसाला, ये छोटे चम्मच है तो मैंने 2 डाले हैं। तो ये डाल दिया गरम मसाला, और इसको हल्का सा भून लूँगी, और थोड़ा सा डालूँगी नमक, बाकी हम टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। और इन मसालों को मैं 1/2 मिनट के लिए भूनूंगी। और ये देखिए हमारा मसाला हो गया है रेडी, अब इसमें डालेंगे हम टमाटो प्यूरी, जो हमने टमाटर हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल के प्यूरी बनाई है, तो इसको डाल लूँगी मैं इस मसाले में, और इसको अच्छे से पका लूँगी। जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ता तब तक हम टमाटर को पका लेंगे। देखिए ये हमारा मसाला पक चुका है अच्छे से, और साइडों से ऑयल भी छोड़ दिया है मसाले ने। तो ये है बिल्कुल रेडी हमारा मसाला, और इसमें डाल दूंगी अब मैं पानी, जो हमने ग्रेवी बनानी है उसके लिए। और मैं डाल दूंगी इसमें 1 लीटर पानी, क्योंकि मेरे पास कोफ्ते ज़्यादा है, तो मैं 1 लीटर पानी डालूंगी इसमें। और ये देखिए, और इसको मैं अच्छे से बॉईल होने दूंगी। जब 3-4 उबाल इसमें आ जाएंगे, उसके बाद हमारी ये ग्रेवी की रेडी हो जाएगी। तो इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, और ये हमारी ग्रेवी रेडी है। इसमें डाल दूंगी मैं ये कोफ्ते,
और कोफ्ते डालने के बाद भी मैं इसे मीडियम, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने दूंगी, ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं उसमें ग्रेवी अंदर तक जाए और अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। और ये देखिए, ये हमारे कोफ्ते एकदम से रेडी हैं। तो ऊपर से गार्निश कर दूंगी मैं ये हरा धनिया, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा कोफ्ते में। और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो मैं डाल दूंगी इसको इस बाउल में। और सारा का सारा मैं बाउल में डाल दूंगी सर्व करने के लिए। तो हमारे कोफ्ते हैं एकदम से रेडी, और इसमें हरे धनिए की और जो कसूरी मेथी मैंने डाली थी उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो लीजिए, रेडी है हमारे ये घिया के कोफ्ते, जो देखने में बहुत ही यम्मी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बने हैं। और इसे बनाने में लगे हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट, और ये कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे हरे धनिए से और अदरक के अच्छे से। तो ये डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ी सी डाल दूंगी मैं अदरक के लच्छे, जो मैं अदरक का टुकड़ा बचा लिया था उसके मैंने पतले पतले पीसेस काट लिए थे। और इसे हम इसको गार्निश कर देंगे, क्योंकि अगर हमें खाना आंखों को भाएगा तभी हमें खाने में भी मज़ा आएगा। तो लीजिए, ये एकदम से रेडी है हमारे घिया के कोफ्ते। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दिए बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हमेशा खुश रहिए।